आशिकी बाजी है ताश की, टूटते बम पे विश्वास की। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Technical Somic। तो गाइस मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और न्यू सैड स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके। तो गाइस इस तरह का वीडियो आप लोग ओनली वन फोटो का यूज करके बना पाओगे, जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू पर देख ही लिया होगा। तो इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, सीखने के लिए जस्ट आप लोगों के छोटा सा वीडियो को पूरा देखना होगा। और गाइस वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पर अपलोड करता हो। तो गाइस चलिए बिना देर करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्रीव्यू को जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी इन ऐप का जरूरत पड़ेगा, और ये ऐप आप लोगों को बहुत ही आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपके पास भी इन ऐप नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन आपका गैलरी खुल के आ जाएगा, आप इधर से आप लोगों के लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो ये जो लिरिक्स वीडियो है फर्स्ट लिरिक्स वीडियो है, इसका डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस फर्स्ट लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को ऊपर में वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप जिसका फोटो से इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिरिक्स वीडियो और फोटो ऐड होकर आ जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा खिसका के एकदम लास्ट की तरफ जाना है, नीचे आप लोगों को एक ब्लैक कलर लेयर मिलेगा एकदम लास्ट पे, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट कर देना है। देन आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना है आपका वीडियो का ड्यूरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा वीडियो का ड्यूरेशन 12.50 सेकंड है। तो यहाँ पे आपका जितना भी इसको इंक्रीज करके आप लोगों को 25 सेकंड से ऊपर करना होगा। तो वीडियो का ड्यूरेशन इंक्रीज करने के लिए नीचे जो फोटो है इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करना होगा। तो इस फोटो का ड्यूरेशन इंक्रीज करने के लिए नीचे फोटो लेयर के ऊपर डबल टैप कर दीजिए। देन इस तरह से इसको खींचोगे तो आप लोग ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे वीडियो का ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो रहा है फोटो का ड्यूरेशन के साथ साथ। तो इस तरह से आप लोगों को इस फोटो का ड्यूरेशन यानी कि इस वीडियो का ड्यूरेशन टोटल आप लोग 25 सेकंड से ऊपर कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस वीडियो का ड्यूरेशन 25 सेकंड से ऊपर हो जाने के बाद आप लोगों को खींचकर एकदम फर्स्ट पोजीशन पर चले आना है। अब इधर से आप लोगों को सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को भी पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन पे ऐड करने के लिए ऊपर में फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। देन पर मैं माई म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया हुए सॉन्ग के बगल में यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने, अब इस सॉन्ग के ऊपर आप लोगों को टोटल 8 बीटमार्क को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है आप लोग साइड पे देख सकते हो, मैंने पे टाइमर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट टाइमर आप लोगों को 11.23 सेकंड पर ऐड करना है। तो यहाँ पे टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींच करके पहले फर्स्ट टाइमर के ऊपर चले आना। तो गाइस फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो एक बिटमार्क ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप लोगों को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है, देन फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बिटमार्क को ऐड करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक एक करके सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना है। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इस प्रोसेस से सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना। तो सारे बिटमार्क ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने, तो ये सॉन्ग यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा खींचकर के बिटमार्क की तरफ आ जाना है। देन नीचे आप लोगों को ध्यान से देखना है यहाँ पे जो फोटो है इसको आप लोगों को सारे बिटमार्क के ऊपर जाके कट करना है। तो यहाँ पे सेकंड बिटमार्क के ऊपर जाना है, नीचे स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फोटो को कट करना है। फिर से नेक्स्ट बिटमार्क के ऊपर जाना है, नीचे अगर यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन आप लोगों को इनविजिबल दिखा रहा है तो थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे स्प्लिट कर लीजिए फोटो को। देन ये जो फोटो पार्ट है इसको क्रॉप कर लीजिए बिटमार्क तक, यानी कि आप लोगों को फोटो को बिटमार्क के हिसाब से कट करना है। तो देन आप लोगों को फिर से नेक्स्ट बिटमार्क के ऊपर जाना है, नीचे फिर से एक स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फोटो को कट करना है। इस तरह से आप लोगों को सारे बिटमार्क के ऊपर जाके फोटो को इस तरह से कट करते रहना है। देन आप लोगों को लास्ट पे जो फोटो पार्ट रहेगा इसका ड्यूरेशन जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर इसको कर लेना। देन इसे डाल करके कोई भी फोटो पार्ट के ऊपर चले आना। अब आप लोगों को नीचे फर्स्ट पे फिल्टर नेम का ऑप्शन मिलेगा, इस फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर में एडजस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, ऐसे थोड़ा सा ढूंढ के आप लोगों को बिग्निटी ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। देन नीचे बिग्निटी को एकदम प्लस 100 करके नीचे बीच पे जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो सारे फोटोज के ऊपर एक डार्क लुक आ जाएगा। सेम प्रोसेस से फर्स्ट वीडियो के ऊपर भी आ जाएगा। तो वीडियो के ऊपर से इस इफेक्ट को हटाने के लिए वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करना है, नीचे फिर से फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बिग्निटी को जीरो करना है। बिग्निटी को जीरो करने के बाद नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर
क्लिक करके बैक करना है। तो यहाँ पे वीडियो के ऊपर से ब्लैक इफेक्ट हट जाएगा लेकिन फोटोज के ऊपर रह जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। तो गाइस इतना दूर हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से कोई भी फोटो के ऊपर आ जाना है। देन आप लोगों को नीचे थंब नंबर पे इफेक्ट्स नेम का एक ऑप्शन मिलेगा। अब इस इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन फोटो को खींचकर एकदम फास्ट पे ले आना है। देन फिर से नीचे आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा। थोड़ा सा ढूंढ के आप लोगों को यहाँ पे जूम इन इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जो इसका ड्यूरेशन है खींच के जितना दूर हो सके कर लीजिए। देन नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जितना भी फोटो पड़ रहेगा इसके ऊपर ये जूम इन इफेक्ट ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देन आप लोग को इस तरह से कर लेना है। फिर से आप लोगों को फास्ट वीडियो के ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर से इफेक्ट को हटाने के लिए वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करना है। नीचे फिर से इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे खींच करके फास्ट पे नन ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो वीडियो के ऊपर से जूम इन इफेक्ट हट जाएगा लेकिन फोटोज के ऊपर रह जाएगा कुछ इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को खींच करके फास्ट बिटमार्क के ऊपर आ जाना है। अब आप लोगों को नीचे बहुत सारा छोटा छोटा प्लस ऑप्शन देने को मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी एक प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देने पे बहुत सारे इफेक्ट मिलेगा। थोड़ा सा खींच करके लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। देने पे जो ड्यूरेशन रहेगा इसको आप लोगों को 0.6 कर लेना है। देन नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो सर प्लस ऑप्शन के ऊपर लाइट इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अगर आपके वीएनएफ पर लाइट इफेक्ट शो नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे व्हाइट इफेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस इतना दूर हो जाने के बाद आप लोगों को खींच करके फास्ट बिटमार्क के ऊपर आ जाना है। अब इधर से आप लोगों को दो इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है। दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो पहले आप लोग इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लीजिए। इफेक्ट वीडियो को ऐड करने के लिए पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। देने पे ऐड करने के लिए यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे वीडियो फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से पहले इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लीजिए। तो ये इफेक्ट वीडियो ऐड होने के बाद नीचे थोड़ा सा खींच करके यहाँ पे फिल ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा। देन नीचे और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे ये जो इफेक्ट वीडियो है इसको आप लोगों को मल्टीप्ले पे सिलेक्ट करके नीचे ओपासिटी को थोड़ा सा माइनस कर लेना है 70% के आसपास करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इफेक्ट वीडियो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से इफेक्ट वीडियो ऐड हो जाने के बाद सेम प्रोसेस इसी पोजीशन से आप लोगों को एक और इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है। वो आप लोग सेकंड लिरिक्स वीडियो भी बोल सकते हो। सेकंड लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है। उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से सेकंड लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। देने पे ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे वीडियो एंड फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। देने पे सेकंड लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लीजिए। तो ये वीडियो ऐड होने के बाद नीचे फिर से फुल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों को ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर जाके इसको यहाँ पे स्क्रीन पे सिलेक्ट करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस आप लोग देख सकते हो आपका जो वीडियो है प्रीव्यू का जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।